Since last 2 days, we have discussed what is contract, what is agreement, what is offer, rules of offer, conditions of offer, what is acceptance, rules regarding acceptance, and also we have seen the types of contract. In types of contract, we have seen the void contract. A void contract as per section 2J, हमें उसने देखा, first of all, unforeseen change in law की वजह से contract void हो सकता है, subject matter loss की वजह से contract void हो सकता है, mistake of facts की वजह से contract void हो सकता है, बाद में हमने voidable contract. In voidable contract, only aggrieved party can enforce one or more party but not to the other or others. जो aggrieved है, जिसको सफर करना पड़ा है, ऐसी जो पार्टी है ना, वही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है. उसमें हमने फ्लड देखा, मिसरिप्रेजेंटेशन देखा. फ्लड में इंटेंशनल आपने डिसीव किया था, वाइल इन मिसरिप्रेजेंटेशन इट वॉज अन इंटेंशनल. उसमें आपका दूसरे को दगा देने का इरादा नहीं था, धोखा देने का इरादा नहीं था. मिसरिप्रेजेंटेशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोशोइन है. अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर होता है. जब कोशोइन में आईपीसी इंडियन पेनल कोड ने जो मना बोला था, ऐसा काम कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, तो ये सब जो वजह है, उसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है. ये अब तक हमने कल देखा था. टुडे वी आर गोइंग फॉर द थर्ड टाइप, दैट इज अ इलीगल. व्हाट इज अ इलीगल? फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड. फ्रेंड्स, इंडियन पेनल कोड ने जो काम करने का आपको मना बोला था, दैट इज इलीगल. इमोरल टास्क है, वो इलीगल है. ए ने बी को बोला कि तुम्हारे हस्बैंड के पास से डाइवोर्स ले लो, मैं तुझे 1 करोड़ रुपीज़ दूंगा. इट्स इमोरल. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जिसको जिससे जिसके साथ इच्छा है उसके साथ मैरिज कर सकता है, लेकिन मजाक में देखे तो दोनों का इच्छा होना चाहिए, वरना पॉसिबल नहीं है. इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है ना, तो इलीगल है. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मोनोपोली, एंड मोनोपोली को लीड करता हुआ कोई भी एग्रीमेंट है ना, तो वो भी इलीगल है. आपको मोनोपोली है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, मोनोपोली को आप बढ़ाना नहीं है. तो ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो लीड्स टू मोनोपोली है, वो इलीगल है. अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, वो भी इलीगल है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कोलेटरल ऑफ द इलीगल एंड कोलेटरल ऑफ द वॉइड? वॉइड है वो भी इन्फोर्स नहीं हो सकता है, इलीगल है वो भी इन्फोर्स नहीं हो सकता है, लेकिन उसके कोलेटरल है, उसके जो अनुसंगिक है, इंसिडेंटल है, उस ट्रांजेक्शन का क्या? हमने वॉइड में देखा था कि सब्जेक्ट मैटर लॉस होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है. तो एंगेजमेंट होने के बाद फियांस और फियांसी का डेथ हो जाएगा, तो जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा. तो क्या एंगेजमेंट के लिए लोन लिया हुआ था वो कोलेटरल ट्रांजेक्शन है, एंगेजमेंट के लिए जो लोन लिया था वो इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन है? तो क्या ये आपको लोन रीपे करने की ज़रूरत नहीं है? फ्रेंड्स, ऑब्वियसली लोन रीपे करना पड़ेगा. कोलेटरल टू वॉइड इज लीगल, लेकिन कोलेटरल टू इलीगल, दैट इज ऑल्सो ए वॉइड. एक्स को गैमलिंग खेलने के लिए जाना है और उसके लिए उसको मनी की ज़रूरत है. वाई के पास जाएगा, वाई को बोलेगा कि मुझे गैमलिंग खेलने के लिए जाना है तो मुझे 1 लाख रुपीस दो. वाई एक्स को देगा, एक्स गैमलिंग खेलने के लिए जाएगा, वो हारेगा या जीतेगा, लेकिन वाई को रिटर्न नहीं करेगा, तो वाई उस पर स्यू नहीं कर सकता है. वाई? इट इज इलीगल, गैमलिंग इज इलीगल. तो कोलेटरल इंसिडेंटल टू इलीगल इज ऑल्सो ए वॉइड. वाई ने जो एक्स को मनी दिया है वो कोलेटरल है, वो इलीगल है, तो वो परफॉर्म करने की फ्रेंड्स जरूरत नहीं है. फोर्थ वन, दैट इज अनइन्फोर्सेबल. व्हाट इज अनइन्फोर्सेबल? फ्रेंड्स, टेक्निकल डिफेक्ट्स. ऑफर, एक्सेप्टेंस सब कुछ है, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट्स है. जो टाइम बे डेप्ट है, टाइम बे डेप्ट आपको मालूम है, लिमिटेशन एक क्या बोलता है, डेटर के पास से आपको मनी लेना है तो आप 3 साल में ले सकते हो, बाद में नहीं ले सकते. समझ लो आप CPT में अभी हो और क्लासेस की फ़ी आपने 3 साल तक नहीं भरी है, तो बाद में आपके सर मजाक में बोले तो नहीं मांग सकते हैं, कहीं भी रिसेप्शन में मिल जाएंगे तब भी नहीं मांग सकते हैं. जाने दो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन लिमिटेशन एक ऐसा बोल रहा है कि आप डेटर्स के पास से विद इन 3 ईयर्स ही आप मांग सकते हो, बाद में नहीं मांग सकते हैं. एक कोई अच्छा आदमी है, वो
आफ्टर 3 ईयर्स किसी के भी रिसेप्शन में मिलेगा और बोलेगा कि नहीं नहीं सर, वो तो उस टाइम पे बहुत मनी का शॉर्टेज था, अभी भगवान की दया है मैं आपको दे दूंगा। तो सिर्फ वो ओरली बोलेगा ना तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, अनइम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेक्निकल डिफेक्ट है। टाइम वे डेट कब वैलिड है? जब उसने रिटर्न में दिया है ना आई विल पे टू यू, देन ओनली इट इज ए वैलिड। तो इट्स नथिंग बट इट्स ए अनइन्फोर्सेबल। आपका जो पार्टनरशिप डीड है तो आप 500 के स्टैम्प की जगह पे 50 के स्टैम्प पे बनाओगे तो इट्स व्हाट? अनइन्फोर्सेबल। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना फ्रेंड्स, वो इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस यानी आपने प्रेजेंट किया है, आपने प्रस्तुत किया है, लिख के दिया है, बोल के दिया है, आइदर ओरली है और रिटर्न है। जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है वो लिख के देते हो, बोल के देते हो, तो इट्स ए व्हाट? एक्सप्रेस। इट्स ए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट गर्भित, उसमें आप लिख के बोल के नहीं दे रहे हो, बाय एक्शन आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इट इज परफॉर्म। आप ए है वो बी को गुड्स देने की जगह पे सी को गुड्स दे देगा और सी वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो बाद में जब ए सी के पास मनी मांगने लेके जाएगा, सी ऐसा नहीं बोलेगा मैंने कहाँ पे ऑफर किया था, आप अपनी तरह दे गए थे, मुझे मनी नहीं देना है। तो फ्रेंड्स रिमेंबर दैट सी ने गुड्स एक्सेप्ट किया ही है, दैट इज ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सी को मनी देना ही है। आप एसटी पे जाओगे, सामने जामनगर राजकोट की बस पड़ी हुई होगी, आप उसमें जाके बैठ जाओगे, इट्स ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बाद में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे टर्म्स एंड कंडीशन है वो मालूम नहीं था, टिकट लेना मालूम नहीं था, इट्स ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जब आप बस में जाते हो, चढ़ के बैठ जाते हो, उसका मतलब आपने उसके सब टर्म्स एंड कंडीशन है ना वो ऑब्वियसली आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है, टैकिट कॉन्ट्रैक्ट। टैकिट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, बाय एक्शन मालूम हो जाता है। एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जो एटीएम है ना वो आप जाते हो, कार्ड डालते हो, आपके पिन कोड डालते हो, वो बाद में मनी आता है, आप ले के चले जाते हो, तो बाद में बैंक पे आप सीयू नहीं कर सकते मैंने कहाँ मनी मांगे थे, तो आपने जो पिन नंबर डाला था इट्स ए नथिंग बट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आपने ऑफर किया, बैंक ने एक्सेप्ट किया, आपको मनी वापस दे दिया, इट्स ए टैकिट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये टैकिट कॉन्ट्रैक्ट है। आफ्टरवर्ड्स एग्जीक्यूटेड, व्हाट इज एग्जीक्यूटेड? इट इज ऑलरेडी परफॉर्म, जो परफॉर्म हो चुका है ना वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। मे बी यूनिलेटरल एग्जीक्यूटेड, बाइलेटरल एग्जीक्यूटेड, एक ने परफॉर्म कर लिया है, दोनों ने परफॉर्म कर लिया है। आफ्टर एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी, बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी, एक का परफॉर्मेंस बाकी है, दोनों का परफॉर्मेंस बाकी है। एग्जीक्यूटरी दैट मीन्स इट विल बी परफॉर्म इन फ्यूचर, फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हैं। तो जो मैरिड पर्सन है वो एग्जीक्यूटेड है, उसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया है। एंड जो गोल्डन पीरियड में है इट्स ए नथिंग बट एग्जीक्यूटरी है, वो परफॉर्म करने का बाकी है। एंड फ्रेंड्स यूनिलेटरल यानी वन पार्टी, एक पार्टी को ही परफॉर्म करना है, बाइलेटरल यानी दोनों को परफॉर्म करना है। कॉन्ट्रैक्ट अंडर द रिकॉर्ड, जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट अंडर द रिकॉर्ड है ना, उसमें जब आप कोर्ट जजमेंट आता है तो वो जिस पे जो डिसीजन आया है वो फुलफिल करना ही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हमने कोर्ट को कहाँ ऑफर किया था, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो हमको फुलफिल करना ही है। कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, हम जो ट्रस्ट डीड बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, हम हमारा सील लगाते हैं, हमारा साइन करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। तो रिमेंबर दैट दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनइन्फोर्सेबल, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, टैकिट, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। तो ये सब टाइप्स आपको समझना है फ्रेंड्स। आफ्टरवर्ड सेक्शन 10, आपको मालूम ही है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट मे बी ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट करना है तो उसमें ऑफर चाहिए एंड एक्सेप्टेंस चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इन्फोर्सेबिलिटी भी चाहिए। इसीलिए हर एक कॉन्ट्रैक्ट है ना वो तो एग्रीमेंट है ही, लेकिन हर एक एग्रीमेंट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था जो सोशल एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम लंच के लिए, डिनर के लिए इनविटेशन देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके लिए आप सीयू नहीं कर सकते हैं। वरना तो क्या होता है, मैरिज के बाद हमें कोर्ट में केस करना पड़ता है, उसमें से हम फ्री नहीं होते हैं। 500 हमने इनविटेशन दिया था, सिर्फ 300 पर्सन ही आए, 200 लोग नहीं आए, हमारी 300 वाली जो पंजाबी थाली का बिगड़ा है उसके लिए
हम क्या उस पर स्यू कर सकते हैं? फ्रेंड्स नो, इट्स ए सोशल एग्रीमेंट। वो सब टॉपिक हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट है ही, लेकिन एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है। तो सेक्शन 10 बोल रही है एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पर्सन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो कब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्री कंसेंट है या नहीं है? हेलो, हमने आज ही जो कल ही देखा था ना वॉइडेबल में, ड्यू टू फ्रॉड, अंडू इन्फ्लुएंस, कोशोइन, मिसरिप्रेजेंटेशन, उस सभी वजह से फ्री कंसेंट नहीं होता है। फ्रेंड्स फ्री कंसेंट में एक नया टॉपिक मिस्टेक भी आएगा। मिस्टेक में भी यूनिलेटर, मिस्टेक में भी बाइलेटरल, मिस्टेक में भी फैक्ट, मिस्टेक में भी लॉ, वेरियस टाइप्स हैं। पहले हम यूनिलेटरल मिस्टेक देखेंगे कि 14 फेब आ रहा था तो 13 फेब को रात को 12 o'clock पटेल ट्रेवल्स का वॉल्वो बुक करवाया था और रात को 10 बजे अच्छा सा ज्वेलर्स का जो दुकान था वो दुकान में जाता है और जल्दी जल्दी जब ढूंढता है तो उसको ऐसा लगता है कि इसका चरकाट है वो बहुत अच्छा है। तो आप क्या करते हो, वो ज्वेलरी उठा के जल्दी से पैक करवा के और पटेल ट्रेवल्स में जाते हो। जाने के बाद दूसरे दिन मालूम होता है ये तो इमिटेशन है, बगल से वाला है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो क्या आप ज्वेलरी की दुकान पे केस कर सकते हो? फ्रेंड्स ऑब्वियसली नो, उसने फ्लड नहीं किया था, उसने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। आप वहाँ गए, आपने देखा, आपको ऐसा लगा कि ये अच्छा है, आपने उठा लिया, तो वो आपको यूनिलेटरल मिस्टेक है। आप दुकान वाले पे जाके सीयू नहीं कर सकते हो, इट्स ए वैलिड। लेकिन बाइलेटरल मिस्टेक, ए ने बी को गुड्स सेल किया, ए को मालूम नहीं था कि सी टर्न आउट इनटू सी, कि गुड्स है ना वो सी में लॉस हो गया है, ए को मालूम नहीं है, सागर में उसका गुड डूब गया है वो ए को मालूम नहीं है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, गुड्स है ही नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है। तो मिस्टेक की वजह से फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो ऐसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है तो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, को ऐसा बोलेगा कि मुझे मालूम नहीं था कौन सी साइड में गाड़ी चलाना, इसलिए मैं इस साइड में गाड़ी चला रहा था, तो क्या चलेगा? पुलिस वाले कोई बात नहीं, आज तो पेनल्टी भर दे, एक दिन जेल में आराम कर दे, कल से मालूम हो जाएगा। तो आप इंडियन लॉ का मिस्टेक करके आप एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते हो। इंडियन लॉ आपको मालूम होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन हो। तो मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वैलिड है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हुआ तो, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हुआ ना तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ना तो ऑब्वियसली वॉइड हो जाता है। मिस्टेक ऑफ प्राइवेट राइट अराइज ड्यू टू इंडियन लॉ, मुझे मालूम नहीं था ये मकान मेरा है और मैंने और किसी के पास ये मकान परचेस किया, तो ये प्राइवेट राइट अराइज फ्रॉम लॉ हुआ। इतने सारे 50 अलग अलग जगह पे मकान पड़े थे, मालूम नहीं था ये मकान मेरा ही है, मुझे ऐसे मिस्टर एक्स का है, मैंने मिस्टर एक्स से परचेस कर लिया, बाद में मालूम हुआ ये तो मेरा ही था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो प्राइवेट राइट अराइज ड्यू टू लो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। लेकिन फ्रेंड्स ये मिस्टेक है ना वो मटीरियल फैक्ट का होना चाहिए, जो डिसीजन पे अफेक्ट करता है ना, ऐसा इन्फॉर्मेशन का मिस्टेक है ना, तभी कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड हो सकता है। सिर्फ ओपिनियन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता है। आप कोई दुकान वाले के पास कोट परचेस करने के लिए जाओगे, वो बोलेगा 5,000, आप बोलोगे इतने सारे नहीं हो सकता है, तो बाद में बोलेगा देखो गाँव में से 10,000 में मिलता है, मैं तो आपको 5,000 में दे रहा हूँ, आप खुश हो जाओगे। कोट लेके आप बाहर निकलोगे, सामने दुकान वाला बुलाएगा आप, वो बोलेगा ये कोट मैं आपको 3,000 में दूंगा, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है क्या? क्या आप उस पर स्यू कर सकते होगा? वो दुकान वाले तो ओपिनियन दिया था ना कि मैं जो 5,000 में बेच रहा हूँ वो गाँव में 10,000 में मिल रहा है, उसे ओपिनियन दिया था। सिर्फ ओपिनियन की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता है। वैसे फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अंडू इन्फ्लुएंस एंड कोशन, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, बट ड्यू टू मिस्टेक इट मे बी वॉइड। इन शॉर्ट, यूनिलेटरल वैलिड, बायलेटरल वॉइड, इंडियन लॉ वैलिड, फॉरेन लॉ वॉइड, प्राइवेट राइट अराइज फ्रॉम इंडियन लॉ इज ऑल्सो ए वॉइड, एंड ओपिनियन इज ए वैलिड। तो जब हमारी कंसेंट है ना वो फ्री कब है? आइडेंटिटी ऑफ द माइंड है, जो ऑफर ने बोला है वही ऑफर ही समझा है। टाइटेनिक सीप है, उसको मालूम ही है कि हमारा जो कॉन्टेक्ट है ना वो फन फेक का जो टाइटेनिक आता है छोटा, उसकी बात हो रही है,
आइडेंटिटी ऑफ द माइंड, कॉन्शियसनेस एंड इडम, जो ऑफर बोला वही ऑफर ही समझा है, तभी वहाँ पे फ्री कंसेंट है। एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, हु इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन? फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी अ मेजर, ही शुड बी अ साउंड, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, तभी वो कॉम्पिटेंट है। जो कॉम्पिटेंट है, जो कैपेबल है, जो सक्षम है, वही कॉन्टेक्ट में एंटर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर एंटरिंग इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट। माइनर है ना, वो एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में लायबल पार्टी नहीं हो सकता है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं कर सकता है, वो इनकैपेबल है। आपको मालूम है एज, देयर इज अ लीगल बाउंड टू मी, आई हैव टू पे। मैं आऊँगा और बोलूँगा नहीं देना है तो नहीं चलेगा। मैंने बेनिफिट एंजॉय किया है, उसने नॉट ग्रेटनेस एक्ट किया था, मैं एग्जिस्ट था, मैंने प्रॉमिस दिया तो मुझे मनी देना ही है। ये समझ लो मैं बेनिफिट एंजॉय नहीं करूँगा, उसको बोलूँगा फिर से जो गाड़ी है उसको तू गंदा बना दे, धूल डाल दे, तो मुझे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जाने तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन जब हम बेनिफिट एंजॉय करते हैं तो हमें उसको कंसिडरेशन देना ही है। थर्ड, दैट इज द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। जनरली क्या होता है कि जो ब्रिटानिया, पार्ले, कोलगेट, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें एजेंसी रहने के लिए आपको मनी देना पड़ता है। अब जब मनी देते तब आप बोल सकते हो कि रिजनेबल एरिया में, यानी कि सिटी में, यह एजेंसी आप और किसी को नहीं देंगे, और दोनों पार्टी परफॉर्म करती है। लेकिन कई नई एजेंसी होती है, वो एजेंसी कोई लेने के लिए रेडी नहीं होता है। तो एक मर्चेंट, वो अहमदाबाद की जो कंपनी है उसके पास एजेंसी लेगा, वो एजेंसी में कॉन्टेक्ट करेगा कि जामनगर में मुझे एजेंसी दिया है और किसी को नहीं देना। अल्दो एजेंसी नहीं है, जामनगर के मर्चेंट ने अहमदाबाद के मर्चेंट को कुछ पे नहीं किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही है, जामनगर में और किसी को ये एजेंसी नहीं देना है, इट्स ए वैलिड। अहमदाबाद की कंपनी और किसी को ये एजेंसी देगी तो जामनगर का मर्चेंट है ना, वो अहमदाबाद की कंपनी के पास से सीव कर सकता है। अल्दो विदाउट कंसिडरेशन भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है ना फ्रेंड्स, वो वैलिड है। कंप्लीटेड गिफ्ट, ऐसा कई बार होता है, बड़ा बड़ा ट्रस्ट होता है तो अपलोड से ट्रस्टी को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद पूरा उसका हम एप्रिसिएशन करते हैं, इतना इतना हमारे लिए किया है, और एप्रिसिएशन करने के बाद उसके बाद पूछते हैं अभी आप क्या दोगे, तो सभी के बीच में पूछते हैं तो वो बोल जाता है कि 1 करोड़ दूंगा। नीचे उतरने के बाद बोलेगा नहीं नहीं अभी तो मुझे नहीं देना है, तो नहीं चलेगा। ऑल्दो कंप्लीटेड गिफ्ट, बट डोनर इज लायबल टू पे टू द डोनी, या डोनर ट्रस्ट को पे करने के लिए लायबल है ही। क्यों? डोनर का 1 करोड़ का जो डोनेशन है ना, उसके बेस पे इमीडिएटली डोनी ने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, डोनी लायबल टू पे है, तो डोनी वो डोनर के पास से मांगेगा और पे करेगा। टाइम बेयर डेप, फ्रेंड्स आपको मालूम है डेटर के पास से आप 3 साल में मनी मांग सकते हो, उसके बाद नहीं मांग सकते हो। तो आफ्टर 3 ईयर्स, समझ लो कि आप CPT में अभी पढ़ रहे हो और आपने फी पे नहीं किया है, आफ्टर 3 ईयर्स कहाँ भी रिसेप्शन में मिल जाओगे तो ये टाइम बेयर डेप्ट है। अभी आप बोलोगे कि नहीं मनी दे देंगे तो मैं आपके पास क्यों नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन, बिफोर 3 ईयर्स का जो कंसिडरेशन है वो वैलिड नहीं है। लेकिन इफ यू विल गिव योर प्रोमिस इन रिटर्न, आप रिटर्न में प्रोमिस देते हो नहीं नहीं हम तो पे करने वाले ही हैं, हम पे कर ही देंगे, तो रिटर्न में आप दे रहे हो ना, तो मैं आपके पास से सीव कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट देखा, वो कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट विथ कंसिडरेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए करते हैं। हु कैन परफॉर्म? प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर अपने आप परफॉर्म कर सकता है। वैसे भी जहाँ पे पर्सनल स्किल, डिलीजेंस इन्वॉल्व होता है, वो तो पर्सनली परफॉर्म करना पड़ता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सितंबर में बहुत सीजन है, तो ऐसा नहीं बोल सकता है मैरिज में मेरे अलावा और कोई जाके आए तो चलेगा, उसका अपना मैरिज है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। जहाँ पे पर्सनल स्किल है वहाँ उसको ही परफॉर्म करना है। पेंटिंग का है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जिसने प्रोमिस दिया है वही परफॉर्म करेगा। सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो जिसने प्रोमिस दिया है वही परफॉर्म करेगा। जहाँ पे पर्सनल स्किल है, पर्सनल डिलीजेंस है, तो जो प्रोमिस देता है वो हिमसेल्फ परफॉर्म करेगा। अदरवाइज एजेंट के पास से परफॉर्म करवा सकते हैं। डेथ होने के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके जो डिसीड्स पर्सन है ना, जिसका डेथ हुआ है ना, उसकी लायबिलिटी के लिए लायबल है। लेकिन रिमेंबर दैट
जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसके लिए डिसीज्ड पर्सन ने जितनी प्रॉपर्टी दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी में से ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लायबल नहीं है, जितना इनहेरिटेंस में उसको प्रॉपर्टी मिला है उतना तक ही वो पे करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। जॉइंट प्रोमिसर है, जॉइंट प्रोमिसर है वो जॉइंटली भी परफॉर्म कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं। ए एंड बी एंड सी तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, 3000 डी को पे करना था, ए 3000 पे कर सकता है, बी एंड सी के पास है 1000 मांग सकता है, और तीनों साथ में मिलके 1000 पे करके भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन समझ लो बी है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ए एंड सी 1500 पे करेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं जॉइंट प्रोमिसर इंडिविजुअली भी लायबल है एंड जॉइंटली भी लायबल है। फ्रेंड्स वैसे भी राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसर देखोगे ना तो वो साथ में मिलके ही सामने वाले से इन्फोर्स करवा सकते हैं, लेकिन लायबिलिटी है ना वो सिविली भी लायबल है। ए बी सी डी के पास से 50,000 मांग रहे हैं तो ए अकेला जाके सीव नहीं कर सकता है, ए बी सी तीनों साथ में जाके ही सीव कर सकते हैं। और हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं परफॉर्म करने के लिए करते हैं, लेकिन कभी ब्रीच भी हो जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? फ्रेंड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मजाक में हम जब मूवी याद करेंगे DDL दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पूरी बारात आ गई है, सब लोगों ने लंच ले लिया है, महाराज भी आ गया है और बीच में स्वाहा स्वाहा चल भी रहा है, और जो वरराजा है वो भी बैठा है, और जब बोला जाता है कन्या पधरा वो, तभी बोलते हैं कि कन्या को तो ढूंढना पड़ेगा। इट्स ए वॉट? इट्स ए एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट, ऑन द शेड्यूल डेट। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म, इट्स ए एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कन्या अच्छी है, एक महीने से पहले बोल दिया, मेरी तो इच्छा नहीं थी, मैं माँ बाप ने बोला इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हुई थी, एक महीने पहले ही बोल देगी कि मुझे परफॉर्म नहीं करना, इट्स ए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एंटीसिपेटरी? बिफोर ड्यू डेट, बिफोर शेड्यूल डेट, तो हमें सर बोल देगा कि मैं परफॉर्म नहीं करूँ, इट्स ए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तब डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हैं, तो प्रोमिसी प्रोमिसर के पास से डैमेजेस क्लेम करेगा। डैमेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल डैमेजेस, आप स्पेशल डैमेजेस कब क्लेम कर सकते हो? आपने प्रायर नोटिस दे दिया है ना, तब आप स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, आपका CPD का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के टाइप ने आपने अपना व्हीकल था वो गैरेज वाले को दिया था, गैरेज वाले को बोला था कि 10 बजे मैं आऊँगा रिपेयर करके रखना, और 10 बजे जाते हो तो रिपेयर नहीं हुआ था, तब आप क्या करते हो? चल के जाते हो, नंदनवन से आप MP से आते हो चल के, तो आपका जो एग्ज़ाम का टाइम था उससे आप 30 मिनट के बाद पहुँचे, आप 11:30 बजे पहुँचे, तो आपको एग्ज़ाम में अंदर एंटर नहीं होने दिया, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो हुआ क्या? आप जून की जगह पे दिसंबर में एग्ज़ाम दिया, तो 6 मंथ है ना उसका आपका लॉस हुआ। CA होने के बाद एटलीस्ट 50,000 पर मंथ आप लिखोगे तब भी 3 लाख रुपीज का आपका लॉस हुआ, तो आप क्या गैरेज वाले से 3 लाख मांग सकते हो? फ्रेंड्स ऑब्वियसली नो, यू कैन क्लेम ओनली 25 रुपीज ऑफ द रिक्शा चार्जेस। स्पेशल डैमेजेस आपने नोटिस दिया है तो भी आप रिक्शा चार्जेस ही मांग सकते हो, आप इनडायरेक्ट और रिमोट लॉस है ना वो क्लेम नहीं कर सकते। आपको कैंपस इंटरव्यू में जाना था, एक ही बार कैंपस इंटरव्यू आप दे सकते हो, टेलर ने आपका कोट रेडी नहीं रखा था तो 2 घंटा लेट हुआ, तो पटेल टावर की बस चली गई, अब मर्सिडीज लेके रेंट पे आप गए हो, तो टेलर के पास से आपने पहले से बोल दिया है कि इंटरव्यू के लिए कोट चाहिए, तो आप मर्सिडीज का जो रेंट है वो मांग सकते हो, लेकिन कैंपस में अच्छी कंपनी का आपका जॉब गया पर मंथ 1 लाख रुपीज ऐसे आप नहीं मांग सकते हो। तो स्पेशल डैमेजेस है, विंडिक्टिव डैमेजेस है, एग्रीमेंट टू मेरी है वो ब्रीच हुआ, वहाँ पे सिर्फ फीलिंग ही हट हुआ है, एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, रॉन्गली डिसऑनर चेक हुआ, चेक आपके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस था तभी भी बैंक ने वो डिसऑनर किया है, आपका क्रेडिट लॉस हुआ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको लोन भी नहीं मिल पाएगी ड्यू टू डिसऑनर, ऑल्दो देयर इज नो एक्चुअल लॉस, बट कोर्ट कैन डिसाइड 5 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज वेरी हाई अमाउंट। इट्स ए वॉट? विंडिक्टिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, ऑल्दो देयर इज नो एक्चुअल डैमेजेस, ऑल्दो नो एक्चुअल डैमेजेस बट कोर्ट विल
give some damages, may be rupee, may be paisa, due to known occurrence in future. दूसरी बार कोई mistake ना करे, इसीलिए court है वो nominal damages भी दे सकती है. Last, that is the special notice देने बिना भी जो transport service वाला है ना, वो deterioration of delay के लिए liable है. अहमदाबाद से जामनगर एक दिन में गुड्स आ जाता है, आपने बोला नहीं था ट्रांसपोर्ट वाले के मुझे कल ये गुड्स बेचना है, लेकिन तब भी वो नहीं आएगा, तो विदाउट नोटिस भी आप ट्रांसपोर्ट वाले को, कैरियर वाले को सीयू कर सकते हो. उसके लिए प्रायर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल गया है उसके लिए आप सीयू कर सकते हो. फ्रेंड्स, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, फॉर द होल सब्जेक्ट और एज वेल एज फॉर एनी सब्जेक्ट, एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम. And again, friends, thank you very much for your kind cooperation. Hi, friends. Myself, Nakarupa. I am student of CA Final in Tejwan Institute. Friends, I am happy to say you, I have cleared my IPCC examination from Tejwan Institute. Friends, CA jeva toughest course ne clear karva mate hard work ni sathe proper guidance ni jarur pade che. Ane guidance perfectly leva mate Tejwan Institute best place che. કારણ કે હું બી તમારી જેમ જ ફર્સ્ટમાં એમ જ વિચારતી હતી કે સીએ એકદમ ટફેસ્ટ કોર્સ છે અને તે હાર્ડવર્ક સિવાય બીજા કંઈ પણ વસ્તુથી ક્લિયર થઈ શકતું નથી. પણ જ્યારે મેં તેજવાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટને જોઈન કરી ત્યારે મને ખબર પડી કે અહીંયાની યુનિક ક્વોલિટી પ્લસ સરનું પ્રોપર ગાઈડન્સ અને મોટિવેશન મને આ કોર્સને ઇઝીલી ક્લિયર કરવા માટે હેલ્પફુલ રહેશે. અને હકીકતે એમ જ પૂરું થયું. સરના ગાઈડન્સ અને મોટિવેશનના લીધે આજે હું સીએના ફાઇનલ સ્ટેજમાં, એટલે કે લાસ્ટ સ્ટેજમાં છું. ફ્રેન્ડ્સ, સીએ એકદમ ઇઝી કોર્સ નથી, પણ અત્યારના ટાઈમમાં સીએની ડિમાન્ડ વધતી જાય છે. સીએ મીન્સ હાઈલી ક્વોલિફાઈડ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ અકાઉન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ, એન્ડ નાઉ સીએસ આર નોન એઝ હેન્ડલિંગ ઓઆર મીન્સ કે ઓપરેશનલ રિસર્ચ અને એચઆર એટલે કે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. ફ્રેન્ડ્સ, સીએનો રોલ છે ને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શનને સોલ્વ કરવામાં બી ડે બાય ડે ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે. એટલે કે આ એકદમ વાસ્ટ ફિલ્ડ છે. આ ફિલ્ડમાં તમને ઘણું બધું ગાઈડન્સની જરૂર પડશે. સ્ટેજના ફર્સ્ટ સ્ટેજથી લઈને લાસ્ટ સ્ટેજ સુધી તમને પ્રોપર ગાઈડની જરૂર પડશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તેજવાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યુનિક ક્વોલિટી એટલે કે વારંવાર એક ને એક વસ્તુનું રિવિઝન થઈ શકે છે બીકોઝ ઓફ વિડીયો લેક્ચર. સરનું મટીરિયલ એકદમ પરફેક્ટ કે તમને કોઈ રેફરન્સ મટીરિયલની બી જરૂર નહીં પડે. પ્લસ સરનું પર્સનલ અટેન્શન, તમને કોઈ બી ટાઈપના ડાઉટ હોય સર એની ટાઈમ એને સોલ્વ કરવા માટે રેડી રહે છે. એટલે અમે લોકો મજાકમાં સરને વારંવાર કહેતા હોય, સર અહીંયા તો 24 ઓનલાઈન ક્લાયન્ટ સર્વિસ ચાલુ છે, અમને જે બી ટાઈમે જે બી જરૂર પડે છે તેના માટે સર હંમેશા રેડી રહે છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઇઝી વસ્તુને તમને ક્લિયર કરવા માટે એટલા બધા એફર્ટ્સની જરૂર નહીં પડે, પણ સી એકદમ ટફેસ્ટ કોચ છે. એટલે કે તમે સરના કોમ્પિટિટિવ એડવાન્ટેજીસનો ફાયદો લ્યો અને તમે ખુદ બી આ ટફેસ્ટ કોર્સને ક્લિયર કરો. આઈ એમ હેપી ટુ સે યુ કે તમારા બધાનું 12th રિઝલ્ટ નજીકમાં જ આવવાનું છે. તમે તેજવાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો પર્સનલી અનુભવ લ્યો અને તમે પણ આ કોર્સને ક્લિયર કરો. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યુ પર્સનલી લાયબલ. I know that the course of Chartered Accountant is the toughest course, but it is not as toughest as it seems. મે જ્યારે તેજવાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોઈન કર્યું છે ત્યારથી મેં સમજ્યું છે કે સીએ નો જે કોર્સ છે એ એટલો બધો ટફ નથી કે જેટલો આપણને લાગે છે. અહીં મેં સીએ ના કોર્સને આ જેવા ટફેસ્ટ કોર્સ છે તેને ઇઝી બનાવતા શીખ્યું છે. અહીં ખૂબ જ યોગ્ય રીતે યોગ્ય દિશામાં ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, જે સીએ જેવા કોર્સ માટે ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એ ઉપરાંત પ્રોપર પ્લાનિંગ વર્ક જે છે એ કઈ રીતે કરવું, સ્ટડીમાં કઈ રીતે પ્રોપર પ્લાનિંગ કરવું, કઈ રીતે શેડ્યુલ બનાવવું તે પણ ખૂબ જ સારી રીતે ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. અને સ્ટુડન્ટ્સ મોટિવેટ પણ ખૂબ જ એટલી સારી રીતે થાય છે, જેના કારણે તેઓમાં ઉત્સાહ વધે છે અને સારી રીતે પ્રિપેરેશન કરી શકે છે. એ ઉપરાંત ખાસ એક તેજવાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની વિશેષતા કે જે વિડીયો લેક્ચર્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે સ્ટુડન્ટ્સ પોતાનું રિવિઝન ખૂબ જ સારી રીતે કરી શકે છે અને તેઓ પોતે જાતે જ મહેનત કરી અને સારી રીતે એક્ઝામમાં અપીયર થઈ શકે છે. એ ઉપરાંત બીજી વાત કરું તો ખૂબ જ અહીં વીકલી ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે, જેના કારણે સ્ટુડન્ટ પોતાનું ઇવેલ્યુએશન કરી શકે અને તે પોતે જાતે જ પોતાના જે સ્ટડી છે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકે. એ ઉપરાંત 100 માર્ક્સની ટેસ્ટ, પેપર પ્રેક્ટિસ જે છે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે.
છે. જો પેપર પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ છીએ તો આપણે એક્ઝામના ફિયર જે છે એને દૂર કરીને આપણે એક્ઝામમાં સારી રીતે અપીયર થઈ શકશે. હાર્ડવર્ક ઇઝ મસ્ટ રિક્વાયર્ડ. જો હાર્ડવર્ક યોગ્ય દિશામાં હાર્ડવર્કને કરવા માટે સ્માર્ટવર્ક જરૂરી છે. હાર્ડવર્ક એન્ડ સ્માર્ટવર્ક બોથ આર રિક્વાયર્ડ. આઈ વુડ લાઈક ટુ સ્પેશિયલ મેન્શન ઓફ તેજવાણી સર કે જે ખૂબ જ સારી રીતે ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. થેન્ક યુ સો મચ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ ઇવનિંગ ટુ વન એન્ડ ઓલ. માય સેલ્ફ આસ્વાની પ્રદીપ, સીએ વિથ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ. ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ ઇઝ અ વેરી ડેવલપિંગ ફિલ્ડ ઇન કરન્ટ માર્કેટ સિનેરિયો. ઇન ધ અકાઉન્ટિંગ ફિલ્ડ ઇટ ઇઝ હાઈલી ડિમાન્ડેડ ઇન ઇન્ડિયન માર્કેટ એઝ વેલ એઝ ઇન ફોરેન માર્કેટ. આઈ એમ સીએ સ્ટુડન્ટ સિન્સ જૂન 2009. આઈ અપીયર ફોર ધી સીપીડી એક્ઝામ ઇન ડિસેમ્બર 2009. આઈ ગોટ થર્ડ રેન્ક ઇન જામનગર વિથ 158 માર્ક્સ આઉટ ઓફ 200, ઓલમોસ્ટ 80% ઓફ માર્ક્સ. My hard work plus guidance and cooperation from Tejwan Institute becomes possible such kind of result. Without it, it could not be possible to achieve such kind of result. Again, I appeared for IPCC in November 2010 for both groups. I got 440 marks out of 700. And again, I got coincidentally third rank in Jamnagar. And such result could possible due to cooperation and guidance from Tejwan Institute. It is really great honor to say a few lines about Tejwan Institute. First, personal attention, which is the most unique quality of Tejwan Institute. Timely syllabus completion and effective revision. High efficiency in terms of result. Regular test and test taking by sir themselves. And wide experience and highly qualified professional faculties. I am really thankful to all the faculties and especially to Tejwan sir for creating such a wonderful platform for a student who want to be a CA. Thank you very much.